brain. तुम अब तक सो रहे हो? स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तुम। सच कहूं कूप, तुम तो हॉरिबल लग रहे हो। मैं से कूप। यहाँ क्या हो रहा है? मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। तुम्हारा बेचारा भाई सिक है मिली। वेल, तुम्हें फीवर तो नहीं है? क्या मैं तुम्हारे चेस्ट पर थोड़ा मेंथॉल रब लगा दूं? हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉंग है। That's okay, Dad, really. लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। सी, देखो। अब मुझसे ओल्ड लेडी मंसन की स्मेल आ रही है। ट्रस्ट में, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और तुम्हारे लिए फ्रिज में है टेस्टी वर्ल्ड फेमस चिकन कैबेज टोफू सूप। मुझे एक डिलीवरी करने शॉप पर जाना है, पर मैं तुमसे इस वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट में रहूंगा। तुम्हें बस अच्छी नींद और शांत घर चाहिए, राइट? सिर्फ तुम और मिस्टर कैट अकेले घर में। ओके, सिर्फ मैं और मिस्टर कैट। लगता है मुझे और सोना चाहिए। ओके, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अच्छा है तुम मुझसे दूर ही रहो, नहीं तो। डैड टू कूप, कम एंड कूप, ओवर। डैड। हे दे बड़ी, मेरा छोटा सी गाय कैसा है? क्या तुम सोए? मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मिस्टर कैट परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? ये लड़का तो नींद में है। परेशान नहीं, परेशान। परेशान? वेल, मुझे नहीं लगता कूप, शायद ये अच्छा मौका है जब तुम कैट के नजदीक आ सको। नजदीक आने से मतलब है पक्के दोस्तों की तरह नजदीक आना? या एक पेट के साथ थोड़ा टाइम बिताने से सिक इंसान को अच्छा लगता है। शायद तुम दोनों मेरा चिकन टोफू सूप शेयर करो। मैंने उसमें एक्स्ट्रा प्रून जूस भी मिलाया है। सॉरी डैड, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाद में बात करते हैं। हेलो कैट, आ जाओ, क्या तुम मेरे साथ कार्टून देखना चाहोगे? आच्छु।
तुम्हें मुझ पर तरस आना चाहिए, मैं देखूं। तुम ये राउंड तो जीत गए कैट, पर याद रहे मेरे जम्स घर में हर जगह फैल गए हैं। चाहिए जब मेरे पास है इजी ब्लो एयर मैट्रेस। लो हो गया, अब इससे पहले कि मैं थोड़ी और कार्टून देख लूं क्यों ना सो जाऊं। ये तो काफी अजीब था, तुमसे भी कई ज्यादा। हे, वापस आओ, जरा देखते हैं कि ये जोमी एयर से तुम्हें और क्या क्या होता है। हाय डैड। ये तो बहुत बुरी खांसी है, पता नहीं हमारे घर पर कफ सिरप है या नहीं, पर तुम्हें पता है कि खांसी के लिए क्या अच्छा है? सूप। वेल, मैं तो मेंथोल रब कहने वाला था, पर वन कप टी विद हनी कैसा रहेगा? मुझे वो मिल गया डैड, तो सूप और मेंथोल के बारे में बाद में सोचूंगा। मैं कहाँ हूँ? नो! तुम्हारी इतनी हिम्मत! स्टॉप! ओके, मैं तुम्हें अपना बेसबॉल बैट तुम्हारे नाखून छाप करने दूंगा। ओके, तुम मेरी कैप्टन ब्लास्टरॉइड कैंपर वैन को डस्टबिन की तरह यूज कर सकते हो। नो, मेंथोल रब तो नहीं। वेट, मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट फिश फ्रिस्की बिट्स कहाँ है। वो कबर्ड में है मिक्सिंग बोल्स के पीछे। कूप, क्या तुम सुन रहे हो? डैड। कूप। डैड। कूप। डैड, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हे कूप, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुमने वो सूप पिया? सूप? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ सूप पसंद नहीं आया। अगर तुम्हें उसमें पिकल्स पसंद नहीं आए तो तुम उन्हें सूप में से निकाल सकते हो। कैबेज है तो सबको पता है कि वो चिकन सूप ही क्या जिसमें कैबेज ना हो, और उसमें थोड़ी हॉट सॉस डाल लेना, उससे तुम्हारी सर्दी ठीक हो जाएगी। नो, वो सूप नहीं, एटलीस्ट उसे थोड़ा गर्म तो कर लो पहले। सूप? हेलो। तहवो सो गया, चलो ये उसके लिए अच्छा है। सूप के लिए थैंक्स कैट, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आसान है, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ और है। ये लो खतरनाक एलियन। इस बार मैं
मैं जीत गया, इस बार मैं सच में जीत गया। नाइस ट्राई, पर तुम्हारा ये क्यूट बनने का नाटक सिर्फ डैड और मिली के सामने ही चल सकता है। हाँ? इसे क्या हुआ? वेल, लगता है किसी की तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई। वो काउच बाहर क्यों पड़ा है? अब कैट और मैं तो सिर्फ खेल रहे थे। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मिस्टर कैट को टॉर्चर कर रहे थे। ओह, इट्स ऑलराइट, अब मैं आ गई हूँ। कैट के साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डैड, और आपका सूप पीकर भी। रियली? तो फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना दूंगा जो तुम्हें हेल्दी रखेगा सन। ओह नो मिस्टर कैट, तुम्हें तो कूप की सर्दी लग गई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चलो डॉक्टर खेलते हैं। हाउस ऑफ स्वैप को साफ करने के लिए एक घंटे का सिर्फ $1। उस कैट से पीछा छुड़ाने के लिए तो ये मैं फ्री में करता। पर अगर हम ये काम फ्री में करते हैं तो हम मास्टर ब्लास्टरॉइड की रीमास्टर डीवीडी मास्टर ऑफ डिजास्टरॉइड कैसे खरीदते? सच कहा। डस्ट के मामले में तुम्हारे डैड गजी लेने रहे, और उन्हें इस जगह का नाम हाउस ऑफ डस्ट रखना चाहिए। इस कूल स्टफ को तो देखो। द एस्टोर्निंग ब्लेस मिस्टीरियस मास्टर ऑफ द इम्पॉसिबल ट्रिक्स ने रिवील किया है अपना ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन। ओह, वो तो सचमुच मिस्टीरियस था। उस लेजेंड ने तो बहुत अद्भुत ट्रिक्स दिखाई, ये उनमें सबसे अच्छी थी, जो है द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। इस बुक के लिए मुझे अपनी वॉशिंग मशीन और एकदम नई गुई लुई की कॉमिक्स बेचनी पड़ी थी। कूल मैजिक रिंग्स, देखिए ये है एक ऑर्डिनरी स्कार्फ, या फिर है टाटा। ब्रेवो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ डेनिस। लगता है तुम्हारी नाक में एक कॉर्ड फंसा हुआ है। वेरी फनी। जरा संभल कर बॉयज, पता नहीं तुम लोग कब और कैसे मिस्टीरियस पावर को बाहर निकाल दो। डेनिस, मुझे लगता है कि अब वक्त है हम अपनी मिस्टीरियस पावर पड़ोसियों को दिखाएं। हम एक मैजिक शो ऑर्गेनाइज करेंगे। श्योर, पहले जरा मैं इन रिंग से तो निपट लूं। चलो मैन ईटिंग टाइगर्स को बाहर ले आओ। या डूड, और टाइगर ईटिंग लायंस को भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अननोन वर्ल्ड से, एक अननोन मिस्टीरियस वर्ल्ड से आपके सामने आज आपको चौंकाने आ रहे हैं द ग्रेट कुप्टीनी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करूंगा द जग ऑफ एस्टोनिशमेंट। डेनिस, वो जग। ओ हाँ, और अब हमें अगली ट्रिक के लिए एक वॉलंटियर चाहिए। पिक मिस्टर कैट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ह्यूमन वॉलंटियर की जरूरत है। एनीवन? यू सर, हम पहले कभी नहीं मिले हैं ना? शायद नहीं। ग्रेट कुप्टीनी, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। फिर तो आप ही। हे, नॉट फेयर, मिस्टर कैट ने पहले वॉलंटियर किया था। ये एक्ट एंटी कैट है। मैं एंटी कैट नहीं हूँ, बल्कि मैं एंटी मिस्टर कैट हूँ। ओके, हम कैट को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लो, मिस्टर कैट इस शो में है। वूप्टी डूप्टी डूप। ओके, ये है एक ऑर्डिनरी कैबिनेट। बाय द पावर्स ऑफ आर्ट, विंड एंड फायर, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि गायब हो जाओ। प्रेस्टो! हाहा!
हूँ। आप बहुत ही अच्छे ऑडियंस है। फिर मिलेंगे। रुको, तुम्हें मिस्टर कैट को वापस भी लाना है। उसे वापस लाओ। उसे वापस लाओ। उसे वापस लाओ। उसे वापस लाओ। ओके, आई मीन ठीक है, तैयार हो जाओ अब चौंकने के लिए। Hocus Pocus, return to the focus. मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। और कुछ नहीं। उसे वापस लाओ। उसे वापस लाओ। उसे वापस लाओ। क्या मुसीबत है। चलो एक और बार करते हैं। ये कैट की शैतानी है। लगता है कैट ये जानबूझकर कर रहा है। मैन, मिली तो अब। उसी विल कैट को ढूंढो इससे पहले कि मेरे लगाए हुए नए शीशे। उस कैट को जल्दी ढूंढो। मिस्टर कैट, बाहर आ जाओ बदमाश एविल भद्दे पेट। अब बाहर आ जाओ मिस्टर कैट कहीं के। कम ऑन केरे केरे केरे। तुम कहाँ हो मिस्टर कैट? मुझे यकीन नहीं होता। मैं हमेशा चाहता था कि कैट गायब हो जाए, पर अब मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रहा। कूप, अगर तुमने सचमुच कोई मैजिकल पावर के साथ उसे गायब कर दिया होगा तो कैट किसी नई दुनिया में चला गया तो, या फिर वो कैबिनेट के ऊपर भी हो सकता है। तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया पता है? डैड, कैट कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के ऊपर है। बस अब तुम्हारा मजाक काफी बढ़ गया है। डैड, वो क्या था? वो अभी यहीं पर था। क्या हाल कर दिया सोफे का? उस बदमाश एविल कैट को तो सबक सिखा कर रहूंगा। ये तुम कर क्या हो? The astounding blaze cannon, अब बहुत हुआ। वो कैबिनेट और सारे मैजिक प्रॉप्स आज हाउस ऑफ स्वैप्स वापस जाएंगे। तुम तब तक ग्राउंडेड रहोगे जब तक हम मिस्टर कैट को ढूंढ नहीं लेते। मुझे उस एविल बदमाश कैट को ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरी पनिशमेंट कभी पूरी नहीं होगी। मेरी ग्रैनी हमेशा कहती थी कि खोई हुई चीज हमेशा वही होती है जहाँ हम सबसे लास्ट में ढूंढते हैं, तो क्यों ना हम पहले ढूंढे? या फिर क्यों ना हम पहले वहाँ चेक करें जहाँ हमने उसे लास्ट देखा था। शायद हमारे कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक करने के बाद वो फिर वही छुप गया होगा। इसका मतलब जब हम उसे पूरे घर में ढूंढ रहे होंगे तब वो वहाँ छुप कर बैठा होगा। पर तुम्हारे डैड तो पूरा मैजिक का स्टफ हाउस ऑफ स्वैप में ले जा रहे हैं। तो फिर हमें भी वही पर जाना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है वो भूखा होगा? मजाक कर रहे हो, कैट दिन में 10 मील्स खाता है। पता नहीं वो खाना उसके कौन से पेट में जाता है। Got you. मैं डैड को बोल देता हूँ कि वो हमें मिल गया है। डैड, मैं कूप बोल रहा हूँ। हाय मिली, क्या तुम डैड को बुला दोगी? एक बार डैड यहाँ आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म। डेनिस, कूप।
था। हे, ये ट्रिक तो इसमें नहीं है। आहा, a lack of flavor। बहुत बढ़िया खूब। ये ट्रिक तुम्हारे लिए है कैट। प्रेस्टो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है कि ये सब बनीज मेरे मिस्टर कैट की जगह ले लेंगे? मिस्टर कैट, यू आर बैक। फिर कभी इस तरह गायब मत हो जाना। ऐसा लगता है कि ये कैट एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट में पीछे गिर गया था। लकी यू कि तुमने कैट को ढूंढ लिया कूप, नहीं तो कैट हमेशा के लिए बंद हो जाता। प्रेस्टो। कैट, तुम इस छोटी सी हैट में कितनी क्यूट लग रहे हो। चलो तुम्हें शीशे में दिखाऊं। वेल, मिली ने रोना तो बंद कर दिया। कुक, तुम्हारे मैजिक ने तो अंधेरा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ओह, मैं तो मजाक कर रहा था।